किसान आंदोलन के चलते भारत बंद का नारा सारे दिन चलता रहा। वही हैशटैग आज भारत बंद है और भारत बंद बहुत ज्यादा ट्वीट करता रहा। इसी बीच कुछ खबरें ऐसी भी आई कि भारत बंद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कुछ मीडिया हाउसेस ने यह दिखाया कि दिल्ली की आजादपुर मंडी और गाजियाबाद की कुछ मंडियां बंद रहीं। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईस्ट अरेस्ट किया गया और ऐसी खबरें सामने आती रही कि उन्होंने कल ये कहा था कि भारत बंद में वो समर्थन देंगे और किसानों के साथ खड़े होंगे, इसलिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस झूठ बोलती हुई नजर आई, क्योंकि मीडिया ने ये दिखाया कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात ये थी कि 20 से 22 घंटे तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया। वही सोशल मीडिया पर सारे दिन तमाम वो वीडियो वायरल होते हैं जिनमें देखा जा सकता था कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर जबरदस्ती किसी को भी घुसने की कोशिश नहीं करने दी जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और बीजेपी समर्थक कपिल मिश्रा ने एक चुनौती दे डाली है अरविंद केजरीवाल को। उनका कहना है कि अगर उनमें दम है तो दिल्ली का कोई भी बाजार बंद करवा के दिखाएं, लेकिन लगता है कि उन्होंने ये तस्वीरें नहीं देखी हैं। बहरहाल क्या कहना है कपिल मिश्रा का, ये आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। क्योंकि भारत बंद फ्लॉप हो चुका है, इसीलिए अब केजरीवाल बंद की नौटंकी की जा रही है। सारी अटेंशन अपने घर के बाहर तमाशा करके उस पे आ जाए और दिल्ली की ये जो सारी मार्केट खुली हैं, सारे बाजार खुले हैं, सारे इंडस्ट्रियल एरिया खुले हैं, सारा ट्रैफिक चल रहा है, ये जो फ्लॉप हो चुका है बंद, इससे ध्यान हटा दिया जाए। इसी के लिए ये सारा झूठ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बोला जा रहा है। अपने MLA से कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी के घर के बाहर जो भाजपा के पार्षद बैठे हैं उन पर हमला करो, पुलिस हमला करने से रोक रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने से रोका जा रहा है, हाउस अरेस्ट है। ये सारा तमाशा, भारत बंद फ्लॉप है इसीलिए केजरीवाल बंद की खबर चलाओ, इसीलिए केजरीवाल बंद का झूठ बोलो, और जो मीडिया को विज्ञापन देते हैं उस मीडिया से वैसी खबरें चलाने का दबाव डाला जा रहा है। मैं चुनौती देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली की किसी भी सड़क, किसी भी मार्केट, किसी भी बाजार, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया, एक भी जगह जाकर वहां बंद है ये दिखाएं। खुला चैलेंज दे रहा हूं, दिल्ली की कोई एक भी सड़क, एक भी मार्केट, एक भी बाजार, एक भी इंडस्ट्रियल एरिया अगर बंद है तो दिखाएं। ये ओपन उनको चैलेंज है। ये हाउस अरेस्ट, ये MLA का नौटंकी अपने घर के बाहर, फ्लॉप बंद के बाद केजरीवाल बंद का ये सारा ड्रामा, ये बंद किया जाए।